तो सभी को राम राम। यूविका मशरूम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार ही गर्मी कुछ ज़्यादा जल्दी पड़ रही है, तो दोस्तों मैं गर्मी से होने वाले कुछ विकार जो मशरूम में सबसे ज़्यादा घटित होते हैं सीजनल मशरूम में, उसके बारे में आपको इसमें बताऊँगा। दोस्तों, जब हमारा टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होने लग जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक ये प्रॉब्लम जो है मशरूम के अंदर आनी शुरू हो जाती है, जिसमें डंठल जो है खोखले से हो जाते हैं। और दोस्तों, कुछ एक मशरूम के जो डंठल हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, जैसे इनमें अगर आपको दिख रहा हो डंठल में पानी की मात्रा ज़्यादा है। दोस्तों, ये सब जो है एबायोटिक डिसऑर्डर हैं, इनको आप जो हमारे मशरूम पैरामीटर हैं उनको कंट्रोल करके ही इन सब से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे बात करी जाए तो इस साल 8-10 दिन पहले गर्मी जो है ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सीजनल मशरूम में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने की वजह से ये जगह जगह आपको इसके अंदर खुली हुई मशरूम भी दिख रही होगी। और इन मशरूम के खुलने का मेन रीज़न यही है कि टेम्परेचर जो है शेड के अंदर 24-25 तक भी पहुंच जा रहा है। कुछ जगहों पर दोस्तों, ये जैसे आपको दिख रहा हो ये बैक्टीरियल ब्लॉच है, ये भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से आ रहा है। दोस्तों, अब सीजनल जो फार्म है वो बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं करेंगे, ये हफ्ते भर मुश्किल से काम करेंगे, तो आप जितनी सावधानी बरत करके अपनी फसल ले सकते हैं वो लें। दोस्तों, जो जो ये समस्याएं आ रही हैं इनसे बचने के लिए आप अपने मशरूम के साइड में समय समय पर पानी का नियमित छिड़काव करें। समय पर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा करें। दीवारों पर और फर्श पर जो आपकी फसल जो है 2-3 दिन फालतू चले औरों के कंपैरिजन में। और इस समय दोस्तों रेट भी सही है मशरूम का, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। और जो हमारे ये पेस्टिसाइड हैं डेसिज वगैरह का निरंतर छिड़काव करें, जिससे कि ये सब बीमारियां ख़त्म हो सकें और आपको एक अच्छी क्वालिटी। मुझे आशा है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।